बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सब का? ठीक है। हाँ जी, आज ना मैं नलियाँ और गुटका ना सालन बनाने लगे। ये देख, मैं नलियाँ लेके आई थी, ये बड़े गोश्त की ना ये गुट है, ये तकरीबन 3 किलो है। ठीक है, ये मैंने पानी भी इसका 3 किलो पानी डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, इसकी मैं यहनी बनाऊंगी। यहनी बनाने के लिए जब मैं चीज़ें डाल रही हूँ, जो दालचीनी है, और ये एक प्याज है, लहसुन है, ये तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, काली मिर्चें पिसी हुई हैं, अजवाइन 3 लौंग है, ये सब्ज़ इलायची, ये यो फुल मुहाना क्या कहते हैं इसको, ये है, ये बड़ी इलायची, ये हल्दी है, नमक है, और ये दालचीनी। ठीक है, ये मैं डालने लगी हूँ, इसकी मैं यहनी बनाऊँगी। बिस्मिल्लाह, ये सारा डाल देना, और जो इलायचियाँ मैं खोल के डालूँगी क्योंकि उसका असर निकले अंदर। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये इलायचियाँ खोल के डालती हूँ, ये ऐसे इसका असर निकल जाए। इसको मैं पहले 10 मिनट तेज़ आंच पे मैं प्रेशर बंद करने लगी हूँ। मैंने सारा कुछ डाल दिया, अब इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालूँगी, जब बाद में बनाऊँगी इसका मसाला। इसको 10 मिनट जब चलेगा ना प्रेशर, तो 10 मिनट तेज़ करना है, फिर इसको दम पे लगा देना घंटा, उसके बाद घंटा पूरा इसको दम पे लगाना हल्की आँच पर, कि ये अपने ही दम पर ये पके और अंदर से इसका रस निकले और ये बड़ी अच्छी यहनी बन जाए और ये सारा कुछ पक जाए। मैं आपको दिखाती हूँ 1 घंटे के बाद। ठीक है, एक चीज़ तो रह गई थी, ये देखें जो मैंने चीज़, इसमें सूखा धनिया जाएगा, इसको हम ज़्यादा ही डालेंगे। ये देखिए इतना है, बड़ी चम्मच ना टेबल स्पून भर के इसको ऐसे मसल लेना हाथों से अच्छी तरह, ऐसे पाउडर नहीं डालना, ऐसे ही डालते हैं, और थोड़ी सी एक दो चुटकी ना मैं इसमें सौंफ की डालूंगी। ठीक है, अब ये मैं इसको बंद करने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी ना जी, ये देखिए मैंने ये रखे थे ना यहनी बनाने के लिए, ये देखिए कितनी प्यारी है उसकी बनी है यहनी, और ये सारे गल गए हैं, ये देखिए ये ऐसे ऐसे ही टूट रहे हैं। ठीक है, इसकी नशे जो है ना ऐसे ही टूट रहे हैं, ये देखिए इसकी यहनी और इसका ये रोगन जो निकला है ना, ये देखिए दूसरे चम्मच से दिखाती हूँ, ये देखिए इसका रोगन ही रोगन है, ये कितना निकला कि इसमें, ठीक है, इसमें से असर सही निकला है। मैंने आधा घंटा देखा था वो नहीं सही हुए थे, फिर मैंने घंटा हो रखा है इसको, बस थोड़ी स्लो आंच पे रखा है कि ये गल जाए। ठीक है, और ये देखें, अब मैंने ये लहसुन और प्याज जो है ना पानी डाल के इसको मैट कर लिए, प्रेशर चलाया 2 मिनट 5 मिनट, तो ये पानी हुशक करके तो इसके ना मसाला बनाने लगे। मसाला बना के तो वो इसमें डाल के भूनना है, तो फिर अभी आपके सामने ही करती हूँ जो भी करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस ऑयल डालूँगी, ये देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, ये बस इतना सा, उसमें बहुत ज़्यादा निकला है ऑयल। ये बस थोड़ा सा ब्राउन करना है, करके नमक मिर्च डालनी है, और इसमें टमाटर नहीं जाते, ठीक है, नहीं डालते टमाटर, इसका ना जैसे बोंग होती है, पाए होते हैं, इसका जायका इस तरह का बनता है, बड़ा ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। अभी तो मैंने रोटियों के साथ बनाए हैं, तो चावलों के साथ भी इसका बड़ा ही मज़ा आता है। इसलिए मैंने कि प्रेशर लगाया कि शोर पे मैंने नज़र ना आए, बिल्कुल मेल्ट हो जाए। ठीक है, ये देखिए ना जी, ये ब्राउन हो गया, ये मैंने कम ही डाला था इसलिए ऐसे नज़र आ रहा है। इस पॉइंट पे आके हमने ये डालना है हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि उसमें भी डाली है यहनी में भी, और ये मिर्ची 1 चम्मच बस, तेज़ मिर्च नहीं डालनी,
थोड़ी सी मिर्च डाली हुई है ना काली, इसलिए नमक मैंने चखा है, नमक कम है इसलिए ये मैं डाल रही हूँ, ये छोटी चम्मच बस। इसके साथ ही हमने ये डाल देना है, इसमें ये दही है एक कटोरी, ठीक है, तकरीबन एक पाव है। इसको अच्छी तरह मैट करके ना, इसकी गुटलियाँ खत्म करके पेस्ट बना के अच्छी तरह इसको डाल दें। इसमें टमाटर नहीं डालते, ठीक है, टमाटर नहीं डालते इसके अंदर, डाल भी लेते हैं इसमें कोई नहीं है, लेकिन जायका जो इसका आता है ना दही के साथ, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। और सोरा मिर्च इसलिए मैंने डाली है, थोड़ा सा कलर तो हो जाए ना, ये तो काली मिर्चों के साथ बड़ा ही अच्छा जायका होता है, खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। ये थोड़ा सा भूनना है टमाटर और लहसुन प्याज को, और जो नमक और हल्दी मिर्च डाली है इसको भून लेना। आँच मैंने हल्की रखी थी, अब थोड़ी सी तेज की है, ठीक है। थोड़ा सा खुशबू के लिए मैं डालूंगी कौरमा मसाला, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी, वो मैंने कैसे तैयार किया। ये बुनती है ना फिर छोड़ देती हूँ, जब सारा कुछ डालूंगी फिर डालती हूँ एंड पे, खुशबू बड़ी प्यारी आएगी। वैसे तो मैंने सारे इसके अंदर मसाले डाल दिए थे, तो उसके अंदर भी मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मसाला पिसा हुआ खुशबू के लिए, और फिर वो डाल दूँगी धनिया, तो बस डिश तैयार। ये देखिए पकना शुरू हो गया, ठीक है, हाँ जी। ये देखिए ना जी घी छोड़ दिया इसने मसाले में, ये देखिए ठीक है पक गया। अब इसके अंदर ये डालेंगे हम जो हड्डियाँ वगैरह हैं, इसको भून लेंगे थोड़ा सा, इसमें डाल छोटा लग रहा है मुझे, इसलिए ये बड़ी रहने दूंगी मैं, ये छोटी छोटी डालूंगी। इसको भून के ना इसी बड़े प्रेशर में डाल दूंगी, क्योंकि ये छोटा है, इसको थोड़ा सा भून देती हूँ। इसमें अच्छी तरह ये नमक मिर्च हो जाए मिक्स, ठीक है। हमने लौंग भी डाला था, ये देखिए कितना फूल के ना वो हो गया हुआ है, ये ऐसे ऐसे इसका रस हड्डियों का भी ऐसे ना रस निकला। ये पकना शुरू हो गया, भून लिया, पका हुआ तो पहले था, अब मैं ये इसके अंदर डाल लूँगी बड़े प्रेशर के अंदर, फिर मैं आपको दिखाऊंगी डाल के। हाँ ये देखे मैंने भून के इसके अंदर डाल लिया, ये अब इसके अंदर ना थोड़ा सा मैं ना डालूँगी कौरमा मसाला एक चम्मच, एक टीस्पून डालूँगी, तो उसकी खुशबू अच्छी आ गई, ठीक है बस। अब इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने ना वो चेक कर लेना है, नमक मिर्च चेक कर लेंगे कि कैसा है इसका टेस्ट, नमक खास का, ठीक है, इतना इसका ऑयल निकला है ना, कटोरी में डाला है साथ जम गया।
नमक थोड़ा कम है, बस नमक डालना है और ये सारा कुछ डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर 5 मिनट पकाऊंगी। अब उसके ऊपर वो डाल देती हूँ, नमक डालूंगी और ये सब्ज़ धनिया डालती हूँ। मैं डिश आउट करके मैं तो आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। बिस्मिल्लाह, अब मैं लूँगी, मैं डालने लगी हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाह। तक गल की है इसकी, बहुत ही अच्छी बनाए सालन। इसकी यखनी शोरबा पिए, सर्दियों में तो ज़रूर, ये हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खाना चाहिए। तो जिसको नज़ला ज़ुकाम है, जिसको कमज़ोरी है, पट्ठों में दर्द है, ये खाएं तो इंशाल्लाह आपकी वीकनेस कमज़ोरी दूर होगी और ताकत मिलेगी। ये देखें और बताइएगा कि कैसे बनी है मेरे ये सालन। ठीक है, तो हमें याद रखिए, अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।